ये जी हरियाणा का मेट्रो स्टेशन है, U1 लाइन है यहाँ से। और किसी ने मुझे ये बताया था कि आप U1 स्टेशन से जब बाहर जाते हैं आपको एक सरप्राइज नज़र आएगा। तो आई डोंट नो कि व्हाट इज़ दैट सरप्राइज। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं पहले वहाँ पर नहीं गया, अब मैं बाहर जाने लगा हूँ तो देखता हूँ कि वहाँ पर कैसा सरप्राइज है, और मैं आपके साथ वो सरप्राइज ज़रूर शेयर करूँगा। तो ये जो स्टेयर्स हैं ये बिल्कुल ऊपर जा रही हैं, तो इसके बाद हम लोग ऊपर जाके देखते हैं कि वो सरप्राइज़ कैसा था। ये जनाब मैं स्टेयर्स के ऊपर चढ़ गया हूँ, अभी जाते हैं ऊपर। बिल्कुल मुझे कैमरा पैक करने दीजिए। ये देखें जी सरप्राइज़, ओ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, कम ऑन, ऑसम यार। Can you digest this beauty? Awesome. ये देखें जी लोगों का जम्मे गफीर, और ये मेरे ख्याल में ऑस्ट्रिया का बुर्ज खलीफा है। तो ये U1 स्टेशन है। आप जो ही यहाँ से बाहर आते हैं, इस स्टेशन से बाहर आने के बाद ये आपको एक बुर्ज खलीफा टाइप बिल्डिंग नज़र आएगी। देखें जी, लव यार, मज़ा आ गया। देखें जी इसका व्यू, देखिए इस बिल्डिंग का, और मेरे ख्याल में तो सनसेट का नज़ारा यहाँ से, पैनोरामिक व्यू जो नज़र आता होगा, क्या कमाल के नज़ारे हैं जी। ये है जी ब्यूटी इस कैथेड्रल की, इधर नाम ही नहीं आता है, ठीक है। लेकिन जो भी है जनाब, देखें यहाँ पे लोगों का जमे का फिर इस तरफ देखें, मज़ा आ गया मुझे लोगों का रश देखने। कोविड में मैंने पहली दफ़ा किसी कंट्री में इतना रश देखा। ये देखें जी, और यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि जो कोरोना केसेस हैं उनमें भी नुमाया कमी आई है। और ये देखें यहाँ पर लोगों का जमे का फीस, और जो मैं इसको पोर्ट्रे करना चाह रहा हूँ वो इस तरह से करूँगा कि ये जो बिल्डिंग नज़र आ रही है आपको, ये मिनी बुर्ज खलीफा है, और ये जो मेन स्ट्रीट का मंजर है ये इस्तकलाल स्ट्रीट या तकसीम स्क्वायर जैसे रश होता है टर्की में, ये वैसा मंजर है यहाँ पर। तो आई एम डेफिनेटली इंजॉइंग दिस व्यू। व्हेनेवर यू कम टू वियना, प्लीज डू कम हियर एंड एंजॉय द ब्यूटी ऑफ दिस टॉल बिल्डिंग। अपना ताज़ा पानी पी सकते हैं। तो स्विट्ज़रलैंड के अलावा एज टू बेस्ट ऑफ माई इंफॉर्मेशन, स्विट्ज़रलैंड आपको पता है कि ये जो ऑस्ट्रिया इसको भी मिनी स्विट्ज़रलैंड बोला जाता है। तो स्विट्ज़रलैंड के अलावा यूरोप में जो दूसरा कंट्री है वो है जी ऑस्ट्रिया, जहाँ पर ये चश्मों का ताज़ा पानी आपको मैसर है यहाँ पर। तो अगर पानी आप बाहर से भी परचेज कर सकते हैं, नो डाउट दैट वुड बी एक्सपेंसिव, लेकिन उस तरह का ये मीठा पानी मज़ेदार नहीं होगा। तो आपने पानी भरना है, स्पून से आप यहाँ से पानी भरें, चश्मों का ठंडा ठार पानी है जनाब। पानी भरने के बाद आप इसका मज़ा ले जी, ताज़े पानी का, फ्रेश चश्मों का पानी है जी। सो ये एडवांटेज है व्हेन यू कम टू ऑस्ट्रिया।
इतना ज़्यादा लोगों का रश देख कर रेस्टोरेंट्स में आप यकीनन ये सोच रहे होंगे कि ये ऑस्ट्रियन नेशन कोविड SOPs की धज्जियाँ उड़ा रही है, लेकिन कतन ऐसा नहीं है। आपने अगर ऑस्ट्रिया आना है, यहाँ पर रेस्टोरेंट में खाना वगैरह खाना है, तो बेस्ट तरीका जो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है, या तो आपके पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, और दूसरा ये आपने कोविड नेगेटिव PCR टेस्ट रिपोर्ट शो करवानी है इनको, और दूसरा एंटीजन रिपोर्ट शो करवानी है इनको, तभी आपको ये रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खाने देंगे। अब आप ज़रूर हैरान हो रहे होंगे कि यार खाना खाने के इतने पैसे नहीं होंगे जितने एंटीजन टेस्ट या PCR टेस्ट हो जाएंगे। तो जो सरप्राइजिंग थिंग मुझे लगी, और आप भी सुनकर ज़रूर हैरान होंगे, कि यहाँ पर इवन टूरिस्ट के लिए ऑस्ट्रिया ने कोविड टेस्टिंग कम्प्लीटली फ्री कर दिया है। आप यहाँ पर आएँ, अपना PCR टेस्ट करवाएं, एंटीजन करवाएं, और उस नेगेटिव रिपोर्ट के साथ यहाँ पर आप रेस्टोरेंट में खाना खा सकते हैं। तो देखिए आपने ऑस्ट्रिया आने की सबसे बड़ी सहूलत। मुझे हिस्टोरिकल और रॉयल किस्म की फीलिंग तो दे रहा था, लेकिन कुछ ना कुछ मिस था जो कि हम बचपन से वियना के बारे में देखते और पढ़ते आ रहे थे। वो ये था, घोड़े नज़र नहीं आए थे। देखिए जनाब, ये मज़े के जनाब टाइयाँ शाइयाँ लाए ड्राइवर जनाब, मंजिला की तरफ रवा दवा है, वो घोड़े है जनाब। चाचू जी हाथ ला दे, चाचू जी देखो, चाचू जान चाचू ताई कितने ताई ताई नहीं होती है, चाचू को ना ए चाचू को चाचू ताई लाया करो यार, तुम यार हाथ ला ना, इधर एक हाथ ला, चलो हाथ ला दे, हाथ ला रहे हैं। तो जनाब यह नज़ारे ने वियना के जेडे जनाब घोड़े देखते थे, असं कभी TV से अच्छे लाइव घोड़े देखे जा रहे हैं।